मुझे ये प्लेस्टेशन 3 फ्री में कैसे पड़ा? क्या आपको प्लेस्टेशन 3 में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए 2020 में? देखो, हर किसी के लिए प्लेस्टेशन 4 और प्लेस्टेशन 5 नहीं है, क्योंकि हर किसी का बजट नहीं होता, ठीक है? पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे कि भाई PS3 के ऊपर वीडियो बना रहे हो, PS4 के ऊपर वीडियो बनाओ, PS4 लेना चाहिए अब तो, या PC लेना चाहिए, या PS5 लेना चाहिए। देखो भाई, हर किसी का अगर बजट होता PS4 PS5 का, तो ये पुराने कंसोल्स मार्केट में बिक भी नहीं रहे होते। अगर बिक रहे हैं, इसका मतलब मार्केट है, लोग इनको खरीद रहे हैं। PS2 पता है चांदनी चौक में अभी तक बिक रहा है। खैर, इन सब बातों पर बातें करने से पहले मैं 30 सेकंड आप लोगों के लेना चाहता हूं, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको पता होगा, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा हुआ है जनता कर्फ्यू, और वो भाई किसके लिए? जनता भाई, हम लोगों के लिए, ठीक है? अब मैं इस समय बोला, मतलब फीलिंग आ रही है, मैं आपको बोलूं सावधान रहें, सतर्क रहें, मैं वो कुछ नहीं बोलना चाहता। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं इस वायरस के ऊपर, इस एपिडेमिक के ऊपर मैं क्यों वीडियो नहीं बना रहा हूं। भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं बहुत लीस्ट एक्सपर्ट इंसान हूं इस चीज़ों के ऊपर। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई बायोकेमिस्ट नहीं हूं, इसलिए मैं इन चीज़ों के ऊपर कुछ बोल नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये कि आप सिंपली इन रूल्स को फॉलो कर लो। भाई देखो, ज़्यादा बाहर मत जाओ, ठीक है? अपने घर वालों को भी बाहर जाने से रोको। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज इसलिए बंद किए गए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखा जा सके। वर्ल्ड इवेंट E3 कैंसिल हो गया, ठीक है? WWDC, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं कैंसिल हो चुकी हैं। IPL डिले हो गया, और फुटबॉल लीग्स डिले हो गई हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए ताकि लोगों को सेफ रखा जा सके। तो आप जितना हो सके घर पे रहो, ठीक है? दैट्स इट। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, और मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको बताता ही रहता हूँ कि कैसे आपको सेफ रहना चाहिए। गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अब बात कर लेते हैं PlayStation 3 की। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका बजट जो है वो PlayStation 4 या फिर अपकमिंग PlayStation 5 या फिर एक अच्छा PC के लिए नहीं है, ठीक है? तो PlayStation 3 आपको क्यों लेना चाहिए 2020 में? क्या सिर्फ बजट की वजह से या फिर और भी फायदे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे रीजन, मेन रीजंस, जिसकी वजह से आपको PlayStation 3 लेना चाहिए, जो मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ फ्री में। मैं कैसे लिया फ्री में वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। फिलहाल इसको पीछे फेंक देते हैं वहाँ पे और बात करते हैं उन 5 रीजंस पे। तो PlayStation 3 वहाँ पे चला गया है, तो अब बात कर लेते हैं वो 5 रीजंस के बारे में, 5 पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बजट। भाई देखो, PlayStation 3 के 3 मॉडल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। पहला है PS3 फैट, जो सबसे पहले आया था 2006 में। उसके बाद ये आया था 2009 में, जिसको कहते हैं PS3 स्लिम। और उसके बाद 2011 के आसपास शायद आया था PS3 सुपर स्लिम, ठीक है? तीनों में ज्यादा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। सबसे पहले वाला जो वर्जन था PS3 फैट, बहुत रेयरली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, अब तो आपको मिलेगा भी नहीं। परफॉर्मेंस वाइज जैसे PS4 स्लिम और PS4 प्रो में परफॉर्मेंस का काफी फर्क है, ऐसे PS3 में किसी भी वर्जन में परफॉर्मेंस वाइज कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये है कि PS3 फैट के अंदर आपको PS2 और PS1 की गेम्स चलाने को मिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर डेडिकेटेड हार्डवेयर चिप है PS2 और PS1 की। लेकिन फिलहाल वो कंसोल आपको वर्किंग कंडीशन में कहीं से परचेज करने को मिलेगा नहीं, ऑनलाइन शायद अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन अब आपको प्राइस कितना पे करना चाहिए PS3 स्लिम या फिर सुपर स्लिम का? देखो, अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहा है तो मैक्सिमम आपको जो हद से हद पैसे पे करने चाहिए वो है 85,000 से 9,000 रुपीज़। मैं आपको तभी कह रहा हूँ जब आपको 2 कंट्रोलर्स मिले साथ में, और साथ में आपको कुछ फ्री गेम्स वगैरह मिल जाएँ। 2 चीज़ें चेक कर लेना, एक तो डिस्क ड्राइव और साथ में जो HDMI पोर्ट है, तो आप चेक करके लेना जहाँ से भी लोगे, ठीक है? मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि आपको 9,000 पे खर्च करने हैं अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, साथ में 2 कंट्रोलर मिल रहे हैं, साथ में कुछ गेम्स मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आपको PS3 स्लिम मिल रहा है नॉर्मली विदाउट कंट्रोलर या फिर सिंगल कंट्रोलर के साथ, नो गेम्स, तो आपको पे करने चाहिए 7-8 हज़ार पे मैक्सिमम, या अगर बहुत ही अच्छी कंडीशन में अगर तो 8,500 तक आप दे सकते हो। 10,000 पे किसी भी हालत में मत देना किसी भी PS3 के। दिस इज़ द फाइनल थिंग कि आपको इससे ज़्यादा पे नहीं करना। तो 9,000 रुपीज़ तक का जिनका बजट है मैक्सिमम, वो PS3 के लिए जा सकते हैं। अब दूसरा रीज़न जिसकी वजह से आपको PS3 परचेज करना चाहिए 2020 में, वो है इसकी गेम्स लाइब्रेरी। देखो, किसी भी कॉन्सोल की जो गेम्स लाइब्रेरी होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि उस पर कितनी गेम्स अवेलेबल हैं। अगर मैं PlayStation 4 यानी कि करंट जेन की बात करूँ, तो PlayStation 4 के ऊपर 4,000+ गेम्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड, जिसके अंदर से खेलने लायक जो आप खेलोगे मैक्सिमम अपनी लाइफ स्पैन में, वो खेलोगे 100-200 या मैक्सिमम 300 गेम जो खेले लायक होती हैं। ऐसे ही सिमिलरली PS3 की भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, 6,000+ गेम्स अवेलेबल हैं, जिसमें से बहुत सारी जो जापानीज गेम्स भी हैं जो शायद आप कभी खेलोगे भी नहीं। और अगर मैं बात करूं PS3 एक्सक्लूसिव्स की, तो अनचार्टेड सीरीज इसके ऊपर अवेलेबल है, द लास्ट ऑफ अस इसके ऊपर अवेलेबल है, GTA 5 जो लेटेस्ट GTA है, GTA 5 इसके ऊपर अवेलेबल है, रेड डेड रिडेम्पशन 1 इसके ऊपर अवेलेबल है। मैं बहुत सारी गेम्स बता सकता हूं आपको इस समय, रेजिस्टेंस सीरीज है, ठीक है? उसके बाद हैवी रेन, मतलब बहुत बड़ी लाइब्रेरी है PS3 एक्सक्लूसिव्स की भी, और साथ में जो थर्ड पार्टी टाइटल्स जैसे कि मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज, ब्लैक ऑप सीरीज,
बहुत सारे गेम्स इसके ऊपर अवेलेबल है PS3 के ऊपर, जिसकी वजह से आपको लेना चाहिए PS। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इनकी फिजिकल डिस्क लेके आते हो करोल बाग जैसी मार्केट प्लेस से, तो कालरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी अवेलेबल है PS3 गेम्स की, जो आप इस समय स्क्रीन पे देख सकते हो। और आपको मैक्सिमम जो गेम का प्राइस मिलेगा किसी भी गेम का वो होगा 700 रुपीज़, मिनिमम 400 या 300 तक की आपको मिनिमम कोई भी गेम मिल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द गेम कि आपको कितने पैसे पे करने हैं। मैक्सिमम 700 रुपये की एक CD मिल जाएगी आपको, मिनिमम 300 रुपये की, तो आप इसके हिसाब से अपनी गेम्स को परचेज कर सकते हैं। अब तीसरा मेन रीजन जिसकी वजह से आपको PS3 परचेज करना चाहिए वो है अनलिमिटेड फ्री मल्टीप्लेयर। जी हां गाइस, PlayStation 4 में आपको PS Plus सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है टू प्ले मल्टीप्लेयर। किसी भी गेम का मल्टीप्लेयर खेलने के लिए PS4 और Xbox One पे आपको चाहिए उनकी मेंबरशिप, PS Plus मेंबरशिप या फिर Xbox Live मेंबरशिप। लेकिन PS3 के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, PS3 अकेला ऐसा कंसोल है। Xbox 360 पे भी आपको Xbox Live Gold मेंबरशिप चाहिए, लेकिन PS3 पे अगर आप GTA 5 का मल्टीप्लेयर खेलना चाहते हो और किसी भी गेम का मल्टीप्लेयर खेलना चाहते हो, चाहे वो कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज हो, कोई भी XYZ गेम हो, आपको मल्टीप्लेयर खेलने के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। आप फ्री में ID बनाइए PlayStation Network पे और आप खेल सकते हो मल्टीप्लेयर। मैं PS Plus की बात नहीं कर रहा हूँ, PS Plus फ्री नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मल्टीप्लेयर कंप्लीटली फ्री है, यानी कि PlayStation Network को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो ऑन PS3। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है जिसकी वजह से आपको PS3 लेना चाहिए वो है इसके अंदर अवेलेबल ब्लूरे प्लेयर। गाइस, लास्ट जेन कंसोल में अकेला PS3 ही ऐसा कंसोल था जिसके अंदर ब्लूरे ड्राइव आपको देखने को मिलती थी। Xbox 360 के अंदर भी पता है ब्लूरे ड्राइव नहीं थी, उसके अंदर भी HD DVD ड्राइव थी। ब्लूरे ड्राइव सबसे पहले आई थी PlayStation 3 में। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, जब PlayStation 3 लॉन्च हुआ था ना, PlayStation 3 अकेला ऐसा एक कंसोल था, एक ऐसा डिवाइस था जिसके अंदर सबसे सस्ता ब्लूरे प्लेयर अवेलेबल था। सबसे सस्ता मतलब सबसे चीपेस्ट क्वालिटी का नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब मनी वाइज कह रहा हूं कि सबसे सस्ते में ब्लूरे प्लेयर अवेलेबल था। US में एट द टाइम ऑफ लॉन्च $600 के आसपास का ये कंसोल लॉन्च हुआ था। उस समय ब्लूरे प्लेयर के प्राइस पता क्या थे US में? $700, $650, $750। तो स्टार्टिंग प्राइस इतनी थी। सबसे सस्ता ब्लूरे प्लेयर अगर आप ले सकते थे तो वो था PlayStation 3। गाइस, ये सिर्फ ब्लूरे प्लेयर है, इसके अंदर 4K ब्लूरे आप नहीं चला सकते। 4K UHD जो ब्लूरे आती हैं आजकल वो आप नहीं चला सकते, बाकी आप इसमें नॉर्मल ब्लूरे अपनी मूवीज वगैरह एंजॉय कर सकते हो, साथ में गेम्स तो इस पे ब्लूरे में अवेलेबल है ही। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। आप इसके ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो, और वो है जेल ब्रेक। अगर आपको कोई भी PS3 अवेलेबल होगा मार्केट में तो वो मोस्ट प्रोबेबली जेल ब्रोकन ही होने वाला है, और जो ये मेरे पास PlayStation 3 में लेके आया हूं कालरा इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये भी जेल ब्रोकन ही है। तो अगर आप जेल ब्रेक करना चाहते हो अपने PlayStation 3 को, उसके अंदर लिनक्स वगैरह टाइप की चीजें रन करना चाहते हो, मैं पायरेसी को यहां पे प्रमोट फिर भी नहीं करूंगा, क्योंकि देखो बहुत सस्ते में डिस्क अवेलेबल है, 300 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है डिस्क की, तो आपको ज्यादा पैसे तो पे नहीं करने डिस्क के लिए। और साथ में अगर आपको बाकी एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि इसके ऊपर लिनक्स वगैरह आप चला सकते हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उस तरह के कर सकते हो, तो उसके लिए इसके अंदर जेल ब्रेक करना बहुत ही आसान है। तो PlayStation 3 अगर आप लेना चाहते हो तो उसके अंदर जेल ब्रेक भी आपको करने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मैं ये PlayStation 3 फ्री में कैसे लेके आया हूं। देखो, मैं ये PlayStation 3 लेके आया हूं कालरा इलेक्ट्रॉनिक्स से, और रिंकू जी से मैं PlayStation 3 लेके आया हूं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मुझे इसको वापस करना है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि एक कस्टमर है शायद जो डिमांड कर रहा था PlayStation 3 की, उनके पास ज्यादा PCs अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे को जरूरत होगी तो मैं तेरे से वापस मांग लूंगा। बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे थोड़े दिनों के लिए और रख लूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक दो वीडियोस और बनाना चाहता हूं कि इसके ऊपर जो GTA 5 है और लास्ट ऑफ अस है वो कैसी परफॉर्म करती है, तो उसके ऊपर भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो उन्होंने मुझे ये PlayStation 3 दिया है काफी अच्छी कंडीशन में है, तो मैं अगर इसका प्राइस पे करने की बात करूं तो मैं अराउंड 8,000 रुपीज के आसपास उनको पे कर दूंगा अगर मेरे को ये रखने का मन हुआ तो। बट फिलहाल मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, थोड़े दिनों बाद जब मैं इसके ऊपर वीडियोस बना लूंगा तो शायद मैं इसको वापस भी कराऊंगा। तो दैट्स इट गाइस, अगर आप PlayStation 3 लेने की सोच रहे हो तो नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा पॉइंट है, जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए इसमें से सबसे कन्विंसिंग पॉइंट आपके लिए कौन सा था, क्या वो प्राइस था या जो बाकी के फैक्टर्स मैंने आपको बताए उनमें से कोई था, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना। साथ में गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से ना मेरी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है और मैं ऐसी बहुत ही मजेदार वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। बाकी मिलते हैं ऐसी एक और जबरदस्त वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।